हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्ल्ड न्यूज इन हिंदी। सिंगापुर एयरलाइंस शुरू करेगी दुनिया की पहली नॉन स्टॉप उड़ान। सिंगापुर एयरलाइंस इस साल के अंत तक दुनिया की पहली नॉन स्टॉप उड़ान शुरू करने के लिए तैयार है। इस उड़ान में विमान करीब 20 घंटे तक हवा में रहेगा। CNN की खबर के मुताबिक सिंगापुर एयरलाइंस का नवीनतम विमान द एयरबस A350-900ULR लंबी यात्रा के लिए है, जो रिकॉर्ड तोड़ यात्रा करे आ और सिंगापुर को सीधा न्यूयॉर्क से जोड़ेगा। इससे पहले इस 9500 मील लंबे मार्ग पर 4 इंजन वाला गैस युक्त विमान A340-500 उड़ान भरने के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसमें 100 बिजनेस श्रेणी की सीटें होती। यह सेवा अपर्याप्त साबित हुई और सिंगापुर एयरलाइंस ने उड़ानों को 2103 में रद्द कर दिया। सिंगापुर एयरलाइंस अब नए लंबे चौड़े एयरबस A350-900 का प्राप्त करने लगा है। विमानन कंपनी ने 67 विमानों का ऑर्डर दिया, जिसमें से इसके बेड़े में फिलहाल 21 विमान शामिल हो गए हैं। इसने 7 उच्च लंबी रेंज वाले विमान का भी ऑर्डर दिया है। विमान का 23 अप्रैल को करीब 5 घंटे तक पहला परीक्षण किया गया। इसे फ्रांस के तुलूज स्थित एयर फ्रामर असेंबली प्लांट से रवाना किया गया था। उच्च लंबी रेंज वाला विमान 11160 मील की असाधारण उड़ान भरने में सक्षम है, जो पिछले स्टैंडर्ड A350 से करीब 1800 मील ज्यादा है। इसका मतलब है कि सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया के सबसे लंबे नॉन स्टॉप वायुमार्ग पर उड़ान भरने का ताज अपने नाम कर सकता है।